हाँ मैडम, बोलो क्या काम है? चलोगे क्या? हाँ चलेंगे। वैसे कितना लेगी? 2 घंटे के 10,000। 10,000 तो बहुत ज्यादा है, 5,000 ले लियो। साहब 5,000 रुपये तो बहुत कम है। देखिए मैं बहुत मजबूर हूँ, थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। चल 1,000 और एक्स्ट्रा ले लियो, 1-2 पैक भी पिला दूंगा। ठीक है साहब, आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, लेकिन मैं पीती वीती नहीं हूँ। वैसे भी तू माल का सोता है, मेरे साहब भी ना देख के खुश हो जाएंगे। चला बैठ गाड़ी में। मालिक, कंचा माल लाया हूँ, कंचा। साहब ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप किसी से इज्जत से बात नहीं कर सकते क्या? ओए चुप कर, तू कौन होती है मुझे अकल सिखाने वाली? पैसों में लाया हूँ, कोई फ्री में नहीं लाया, पूरे 6,000 में। मालिक पूरे 6,000 रुपए में लाया हूँ, वो भी गिलेरिया रोड से, सिर्फ आपके लिए। ये बात तो गलत है, मेरी बात आपके साथ हुई थी, आपके साथ में आई थी, फिर ये साहब कौन है? मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन उससे पहले मुझे कन्हैया से कुछ बात करनी होगी। कन्हैया तुम ये किस तरह से इनसे बात कर रहे हो? तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है? वैसे भी ये मुझे बहुत ही शरीफ घर की दिखाई पड़ती है, इन काम में ज़रूर इनकी कोई मजबूरी होगी, तो मैं इनसे थोड़ी पर्सनल बातें करना चाहता हूँ। आप आओगी यहाँ पर? मालिक अब हमें इन बाजारू औरतों से तमीज से बात करनी पड़ेगी क्या? कन्हैया इंसान कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, या वो बाजारू हो या इज्जतदार हो, हमें उससे हमेशा तमीज से बात करनी चाहिए, इसमें हमारा ही चरित्र दिखाई देता है। ठीक है मालिक, जैसे आपकी मर्जी हो। मैडम आप मुझे बहुत ही शरीफ घराने से नजर आती हैं, तो फिर आप ये सब काम क्यों कर रही हो? साहब कोई भी औरत ये काम अपनी खुशी से नहीं करती, सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, मेरी भी कोई मजबूरी थी इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप चाहे तो आप मुझे अपनी मजबूरी बता सकती हैं, और मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। अरे साहब मुझे आपको अपनी कोई मजबूरी नहीं बतानी, आप उन साहब को बोलिए कि अपना काम शुरू करें और मुझे मेरे पैसे दें। अरे साहब आप किसके मुंह लग रहे हो, इन औरतों को ना पैसा चाहिए पैसा, ये ऐसी होती हैं। देखिए आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और आपके साथ यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करेगा। क्या साहब आप मुझे फ्री में पैसे दे देंगे? हाँ आपके पैसे यहाँ पर बिना कुछ किए ही मिल जाएंगे, और वैसे भी मैं आपको देखकर बता सकता हूँ आप कोई बाजारू औरत नहीं है, और ना जाने आप मुझे क्यों अपनी मजबूरी नहीं बता रही हो, जबकि मैं तो आपके भाई जैसा हूँ। साहब आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, आपने मुझे बहन का दर्जा दिया। मैं आपको अपनी सारी परेशानी बताऊंगी, अपनी मजबूरी भी बताऊंगी। साहब मेरे पति का ध्यान 4 महीने पहले हुआ है, और उनके जाने के बाद मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। अपने बच्चों को जैसे तैसे पालती हूँ फैक्ट्री में काम करके। उनके जाने के 2 महीने बाद मुझे पता लगा कि उनके सर पे बहुत कर्जा हो रखा है, और कर्जदार आए दिन मेरे घर पे आते हैं और मुझसे कर्जा मांगते हैं। अब साहब फैक्ट्री में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं उनका कर्जा दे पाऊँ, बच्चों का पेट पाल लेती हूँ, मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। आप तो जानते ही हैं घर में कितने खर्च होते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, ना जाने कितने और खर्चे होते हैं, बच्चों की ट्यूशन की फीस भी देनी पड़ती है। इतना देने के बाद इतना पैसा नहीं बचता है कि मैं उन कर्जदारों को पैसा दे पाऊँ। और तो और साहब कर्जदारों ने मुझे धमकी दी, अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दोगे तो तुम्हारा घर छीन लेंगे। अब आप एक बात खुद बताइए, एक औरत कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेके?
उसके सर से छाथड़ जाएगी तो वो तो वैसे ही रोड पर आ जाएगी। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने फिर ना चाहकर भी ये धंधे का काम शुरू किया ताकि दो ज्यादा पैसे जोड़ के अपने बच्चों को घर की छत दे पाऊँ, वो एक छत के नीचे रह पाए। अगर मेरे बच्चों के सर से छत चली जाएगी तो साहब आप ही बताइए मैं क्या करूँगी। खैर आप इस घर में आई गई हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मुझे ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि मैं किसी ना किसी की मदद कर सकूँ, और वैसे भी मेरे आगे पीछे तो मेरा कोई नहीं है। भगवान ने भी आपको शायद इसीलिए यहाँ भेजा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इनके सामने इतनी बड़ी मजबूरी है। मालिक आगे से मैं ध्यान रखूँगा, कोई भी लेडीज मिलेगी मैं उसकी मजबूरी पूछूँगा कि आपकी क्या मजबूरी है। और मालिक मुझे नहीं पता था कि इनके आगे इतनी बड़ी मुसीबत है, प्लीज़ मालिक मुझे माफ़ कर दो। और मालिक मुझे पता है कि आप मुझे कहाँ से लाए थे, मैं भीख मांगा करता था, आपने मुझे पढ़ाया और लिखाया, इतना बड़ा आदमी बना दिया, प्लीज़ मालिक मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने इनकी परेशानी को नहीं पूछा, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा, प्लीज़ मालिक मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं कन्हैया, जो हुआ उसे जाने दो। अभी तुम इतना काम करो, मेरी तिजोरी से 2 लाख रुपए लाकर इन्हें दे दो। और वैसे भी ना मेरा कोई है ना तुम्हारे आगे पीछे कोई है, तो हम पैसों का करेंगे ही क्या, अब उन पैसों से किसी की मदद होगी, इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है मालिक, मैं अभी लाके देता हूँ। ये लो मालिक पूरे 2 लाख रुपए। ये लो, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं, इन पैसों को लेकर अपने कर्ज उतार लेना, और हाँ दोबारा पैसों की जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के यहाँ पर आ जाना। शुक्रिया साहब। मुझे साहब मत बोलिए, मैं आपके भाई की तरह हूँ, आप मुझे भैया बोलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वैसे भी आज तक पता नहीं मैंने किसी की मदद की है या नहीं की, और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने आज किसी के साथ गलत होने से उसे बचा लिया। अब जाओ, अपना ध्यान रखना।